हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा आपको, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड। आपको बेटा फंक्शन दिया गया है मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब, ओके। फिर ये बोला गया है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो लिखेंगे आप। अब मॉडुलस जो है उसका बिहेवियर क्या होता है, वो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए फंक्शन चेंज करेगा बेटा। तो वो आप लिखेंगे, जब हमारे पास एक्स क्या होगा लेस देन जीरो होगा तो तब ये क्या लेता है, तब ये नेगेटिव वैल्यू लेता है हमें, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ओके बेटा। जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो तब ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। Okay, तो ये मॉडुलस का बिहेवियर है, नेगेटिव के लिए वो क्या करता है, एक नेगेटिव साइन लेगा और पॉजिटिव के लिए वो क्या देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ओके। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। तो चलिए आप अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हेन एक्स क्या है लेस देन जीरो, ओके। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब, ओके बेटा। चलिए तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो हमारे पास फंक्शन आ गया ये। अब एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस, माइनस आ गया है माइनस वन, आपके पास माइनस वन आ जाएगा और थ्री क्या है एक्स के पार आगे आ जाएगी और थ्री में से वन माइनस हो जाए तो क्या आएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। अब एफ डबल डैश एक्स भी आपको निकालना है इसका, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसी को फिर से अगेन डेरिवेटिव करेंगे आप, माइनस थ्री मल्टीप्लाई में टू एक्स की पावर टू माइनस वन क्या हुआ, एक्स ही हुआ, तो माइनस सिक्स एक्स आ गया, ओके। तो फिर हमारे पास आप लिखेंगे व्हेन एक्स क्या है आपके पास ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स का क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंशिएट आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स, अगेन डेरिवेटिव करेंगे थ्री टू जा सिक्स एक्स आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव में क्या आया बेटा, हमारे पास डिफरेंशिएशन हो क्या आया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स क्या था लेस देन जीरो था और हमारे पास आया यहाँ पे आया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ओके। तो दूसरा आया आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स क्या था ग्रेटर देन जीरो, ओके। चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास एफ डबल डैश एक्स में हमारे पास क्या आया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन जीरो, सिक्स एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स क्या है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आया आपके पास, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर है, आपने ये निकाल दिया इसका डेरिवेटिव, ओके। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको बेटा एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, क्योंकि आप उस पर ये डिफरेंशिएबल हैं, ओके बेटा। चलिए अब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, सॉरी एच अप्रोचेस, क्या होता है एच अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, कब कर रहे हैं आप ये चेक, जब हमारे पास आप इस फंक्शन को लेके चल रहे हैं, जब हमारे पास एफ एक्स क्या दिया गया है ये, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे पहले, चलो अब आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो पहले आप ये बता दीजिए कि हमारे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूज एट एवरीवेयर। तो आप लिखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया गया है आपके पास ये आ गया माइनस एक्स क्यूब और एक्स जीरो एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन ये आ गया आपके पास, आप लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूस एवरी वेयर, ठीक है, और
पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको किस पे, एट x इज इक्वल टू जीरो पे, एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एट x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, x क्यूब। तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास x क्यूब, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब आप बताएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आता है, लिमिट h अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, हमारे पास फंक्शन होता है x माइनस h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या लेते हैं, नेगेटिव h माइनस एफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो लेंगे x माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा आपके पास, x लेस देन जीरो के लिए माइनस x का क्यूब। तो आप वैल्यू डालेंगे माइनस x के प्लेस पे आपने क्या डालना है, x माइनस एच। तो यहाँ पे x आपका क्या चल रहा है, जीरो। तो आप क्या डालेंगे, जीरो माइनस एच का क्यूब माइनस, अब फंक्शन तुम्हारे पास यही है माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, और नीचे है माइनस एच, और यहाँ पे बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एच का क्यूब माइनस एच का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। अब यहाँ पे माइनस एच है और ये अंदर, तो एच क्यूब हो जाएगा, नीचे है माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट, साथ लेके चलेंगे आप, हमारे पास जो लिमिट है बेटा वो लिखना है आपको, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, और यहाँ पे भी आएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, जीरो का नेगेटिव, जीरो का नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक एच कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर चला गया एच स्क्वायर, तो आ जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस जीरो, एच में से क्या है बहुत स्मॉल वैल्यू जो है वो लेस हो रही है, वो क्या है आपके पास एच है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास जीरो। अब आप लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव फंक्शन x प्लस एच, यहाँ पे प्लस h लेंगे आप तो नीचे h आ जाएगा। अब फंक्शन हमारा पॉजिटिव के लिए क्या है, वो है हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन है ना, सॉरी ये वाला फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, क्या करें फर्स्ट वाला f डबल डैश। तो यहाँ पे एक चीज और लिखनी है आपने, हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो है फंक्शन है ना, तो f डैश x हो जाएगा यहाँ पे। ओके बेटा चलिए, अब राइट हैंड के लिए हमारे पास फंक्शन है x का क्यूब, तो x का क्यूब के लिए क्या आ जाएगा, जीरो प्लस h का क्यूब, क्योंकि h क्या है आपके पास जीरो। ठीक है, x क्या है सॉरी जीरो, तो माइनस जीरो, जीरो का क्यूब जीरो भी हुआ h, तो यहाँ पे आ जाएगा h क्यूब अपॉन में h। लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव। ठीक है, h h कैंसिल, x स्क्वायर रहेगा, अगेन आपका लिमिट रहेगी यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया फंक्शन, देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। तो इट मींस आपके पास जो है डेरिवेटिव इक्वल आ गए, तो फंक्शन f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, ये हो गया। नेक्स्ट आप करेंगे f डैश x का भी। ओके चलिए इस साइड करते हैं, आप नोट कर लीजिए आप बेटा इसको, अब आपको क्या लेके चलना है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, चलिए हमारे पास एट x इज इक्वल टू जीरो ही है, फंक्शन क्या है हमारे पास एट x इज इक्वल टू जीरो पे,
फंक्शन है हमारे पास, चलिए हमारे पास ग्रेटर देन के लिए ये था फंक्शन, तो ये आ जाएगा ओके, तो ये आ जाएगा 3x square, और यहाँ पे ये भी ग्रेटर देन के लिए आ जाएगा ओके। चलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x 0 है 3 और ये 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा ओके बेटा। तो आप लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे f डैश x है, ये डबल डैश x आ जाएगा ओके। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव, और फंक्शन x माइनस h माइनस x अपॉन में h चाहिए, यहाँ पे माइनस h ठीक है। आपको याद रखना है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है तो माइनस h आता है वहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी ठीक है। तो चलिए फंक्शन हमारे पास क्या चल रहा है 3x square, सॉरी नेगेटिव के लिए लेस देन के लिए माइनस 3 है, तो माइनस 3 एक्स क्या है 0 माइनस h का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन आपके पास क्या है x क्या है सॉरी 0, तो यहाँ फंक्शन में वैल्यू रखेंगे अगर आप 3x में तो वो 0 बन जाएगा आपके पास ठीक है, माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस h का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये h स्क्वायर ही हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 3h स्क्वायर अपॉन में माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल h कैंसिल, तो आ जाएगा 3h। लिमिट लिखना है बेटा, लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव, यहाँ पे भी लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव, लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है यहाँ पे 0 लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई 0 3 आ जाएगा ठीक है। चलिए अब हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास बेटा x प्लस एच प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे fx, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा h, तो आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन में हमारी क्या है वैल्यू अब ग्रेटर देन है, राइट हैंड के लिए फंक्शन है, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 है 3x square, तो 3x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0 प्लस h आ गया, इसमें देखो आप x प्लस h है ना 0 प्लस h आ गया, और क्या है स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी में अगर आप 0 रखेंगे 3x square, तो ये 0 हो जाएगा होल अपॉन में h है ठीक है। पहले आप पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आप उसकी वैल्यू डालेंगे अच्छी, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा 3x square और अपॉन में h, तो सॉल्व किया आपने h आ गया, अगेन लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव 3h, तो 3 और मल्टीप्लाई में 0 0 आ गया ठीक है। अगेन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए 0, लेफ्ट हैंड के लिए 0, यहाँ पे 0 आएगा और हमारा फंक्शन में 0, इट मींस क्या हुआ यहाँ पे भी वैल्यू क्या करेगी f डबल डैश क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख लेते हैं इस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ओके, इसके लिए आप लिखेंगे लास्ट में f डबल डैश एग्जिस्ट, f डबल डैश x एग्जिस्ट exist for all real x okay, last में आ जाएगा आपके पास ओके। आपने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करके बता दिया ना कि हमारे पास क्या है 0 0 आ गए, इक्वल आ गए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो इट मींस हमारे पास f डबल डैश x जो है exist for all real x ओके बेटा, क्लियर है। चलिए थैंक यू।